हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स पे। और आज हम जानेंगे वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, बैकडोर्स के बारे में, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पे हम सारी जो चीज़ें हैं एथिकल हैकिंग से रिलेटेड आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है हमारी इसी से रिलेटेड है। लास्ट टाइम आप लोगों ने सुना होगा रैनसम वेयर नाम के एक वायरस के बारे में, जिसने 128 से ज़्यादा देशों की नाक में दम कर दिया था, और बहुत बड़े लेवल पे, या फिर मैं ये कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा वो साइबर क्राइम था अभी तक का जो रिकॉर्ड हुआ है। फ्रेंड्स, उसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया था अपने लास्ट के वीडियो में, तो प्लीज़ आप रैनसम वेयर वाला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगा ये चीज़ें क्या होती हैं और किस तरह से काम करती हैं, इनके पीछे का पर्पज़ क्या होता है और भी बहुत कुछ। और बहुत अच्छी बात ये है कि ये दोनों चीज़ें आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह से जानने को मिलेंगी, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो वायरस है, चाहे वो वॉर्म्स हैं, ट्रोजन्स हैं, बैकडोर्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियोस हैं ये एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, तो आप इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल ना करें। जैसा कि मैंने बोला है कि वायरसेस वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो आप इन्हें गलत इंटेंशन के साथ ना देखें। बस आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं कि वो चीज़ें कैसे काम करती हैं। अगर आप गलत पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो आप उस चीज़ के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल हैं, जो कि क्राइम है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात ये आती है कि वायरस होता क्या है। फ्रेंड्स, वायरस एक एक्टिवली इन्फेक्शियस कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इन्फेक्शियस होता है, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से फैल जाता है। जस्ट लाइक द ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये जो वायरस है ये ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं फैलता है। मैं बात बीमारियों वाले वायरस की कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर वायरस की। जैसे कि इंसान के अंदर भी वायरस आ जाता है जिससे वो बीमार हो जाते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर भी वायरस आ जाता है। वायरस करता क्या है? वायरस सेम वही एक्टिविटीज़ करता है जैसे कि कंप्यूटर एक नॉर्मली जो वर्क कर रहा है उसकी जो नॉर्मल वर्किंग है उसे डिस्टर्ब कर देता है। और वर्किंग जो होती है वायरस की प्रोग्रामिंग या कोडिंग के जरिए होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि वायरस एक प्रोग्राम ही होता है, लेकिन उस प्रोग्राम का जो काम होता है वो कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करना होता है। वायरस जो होते हैं वो अपने आप को जो कंप्यूटर के अंदर की जो मेन फाइल्स हैं उनके साथ अटैच कर लेते हैं। अगर किसी भी कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो ये अपने आप को मेन फाइल्स के साथ अटैच कर लेगा। वायरस ज़रूरी नहीं है फाइल्स के साथ अटैच होता है, वायरस फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, यूएसबी, ईमेल सभी के साथ अटैच हो सकते हैं। यानी कि कोई भी हार्ड डिस्क हो या फिर यूएसबी ड्राइव हो, अगर उसमें वायरस है तो वही वायरस जहाँ जहाँ हम उस यूएसबी ड्राइव को या सीडी को कनेक्ट करेंगे वहाँ वहाँ वो वायरस आ जाएगा। तो वायरस अटैच किसी से भी हो सकते हैं। तो एक जो फाइल वायरस के साथ अटैच्ड होती है उस फाइल को हम इन्फेक्टेड फाइल कहते हैं। अगर फाइल को जो कॉपी किया जाए तो अगर इस तरह की किसी भी फाइल को जो कि इन्फेक्टेड है अगर आप कॉपी करेंगे या यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर सिस्टम में भी उस तरह का वायरस आ जाता है। तो वायरसेस दोनों तरह से होते हैं, कंप्यूटर के भी वायरसेस होते हैं, मोबाइल्स या एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर भी वायरसेस आ जाते हैं, लेकिन इनकी वर्किंग वही होती है। वायरसेस बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। फ्रेंड्स, अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो टेक्निकली इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर की दुनिया में आप वायरस जैसी वर्ड की पूरी अगर फुल फॉर्म सर्च करेंगे तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। बट टेक्निकली मैं कहूँ तो ये वास्तव में कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये एक इमेजिन करके बनाई गई फुल फॉर्म है। तो जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सप्रेशन, वाइटल इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सीज, तो ये दोनों अलग अलग फुल फॉर्म्स हैं। पहली है वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सप्रेशन और दूसरी है वाइटल इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सीज, जबकि वास्तव में ये है नहीं, तो मैंने आपको बता दिया ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। सेकेंड वन आती है अगर हम वायरस की हिस्ट्री को देखें तो फ्रेंड्स, कीपर जो वायरस था सबसे पहले डिटेक्टेड वायरस था जिसे आर्पानेट ने किया था। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आर्पानेट वो एजेंसी है जिसने इंटरनेट की खोज करने में, या फिर हम कह सकते हैं इंटरनेट की खोज का जो श्रेय जाता है वो आर्पानेट एजेंसी को ही जाता है, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो सबसे पहले इसी एजेंसी ने डिटेक्ट किया था सबसे खतरनाक वायरस को, जिसका नाम था क्रीपर वायरस, जो कि 1970 में पाया गया था। क्रीपर एक एक्सपेरिमेंट था, वास्तव में वो वायरस नहीं था, वो एक प्रोग्राम था जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम था, जो अपने आप को एक से ज़्यादा कॉपीज़ में कन्वर्ट कर लेता था और इस तरह से वो बढ़ता चला गया। तो इसे 1971 में
खोजा गया, यानी कि ये मिला, सबसे पहले फाउंड जो किया गया 1971 में किया गया। उसके बाद निम्बा, जो कि एक सेकेंड वायरस है, जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। स्क्रीन का रेजोल्यूशन अगर आप हाई करके इसे देखेंगे तो एक एक डेफिनेशन आपकी समझ में आ जाएगी, आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ अ वॉर्म दैट स्प्रेड्स इट सेल्फ यूजिंग डिफरेंट मैथड्स। एक वॉर्म होता है, वॉर्म के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ, बट दैट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ वायरस। इट डैमेजेस कंप्यूटर इन डिफरेंट वेज, इट मॉडिफाइड फाइल्स, ऑल्टर सिक्योरिटी सेटिंग्स एंड डिग्रेड परफॉर्मेंस। यानी कि निम्बा जो वायरस था, यानी कि वॉर्म, तो ये क्या करता था, इसने कंप्यूटर की फाइल्स को मॉडिफाई करना, सिक्योरिटी सेटिंग्स को चेंज करना, इस तरह के जो काम थे इस वायरस के थे। उसके बाद सर कैम के नाम से जो दूसरा वायरस था वो आया, ये अपने आप को ईमेल के साथ अटैच करके फैलाता था। यानी कि ये वायरस जिसने भी बनाया, इसकी जो कोडिंग जिसने भी बनाई वो इस तरह की थी कि ईमेल के साथ अटैच करके हम उसे कहीं भी भेज सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम गूगल जैसी साइट्स के जरिए ईमेल करते हैं तो वो पहले उसे स्कैन करता है, अगर उसे कोई भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं लगती तब भी उस मैसेज को आगे भेजता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन सरकैम जो वायरस था, ये एक ऐसा वायरस था जिसे ईमेल के साथ अटैच करके भेजा जा सकता था। लेकिन गूगल अब सिक्योर हुआ है, बहुत टाइम पहले इतनी सारी सिक्योरिटीज़ गूगल के अंदर नहीं थी। देन नेक्स्ट है मेलिसा। फ्रेंड्स, ये काफ़ी फेमस वायरस था जिसने बहुत ज़्यादा हद तक नुकसान पहुंचाया काफ़ी लोगों को। ये जो वायरस था ये भी ईमेल के ज़रिए ही फैलता था, और इसकी सबसे अच्छी खास बात हम देखें तो ये अपने आप को ईमेल के साथ अटैच कर लेता था, और उस कंप्यूटर में अगर ईमेल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के जरिए भेजी जा रही है तो ये ऑटोमेटिक 50 लोगों के साथ उस मैसेज को भेज सकता था। यानी 50 लोगों के पास जो इसका वायरस था वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो सकता था, तो ये मेलिसा वायरस की खासियत थी। उसके बाद था रिपर, ये हार्ड डिस्क से डेटा को करप्ट कर देता था। उसके बाद MDMA था, ये अपने आप को MS वर्ड फाइल के जरिए ट्रांसफ़र करता था कंप्यूटर मेमोरी के अंदर और फाइल्स को भी करप्ट कर देता था। उसके बाद था जो कॉन्सेप्ट, ये ट्रांसफ़र करता था अपने आप को ईमेल के जरिए, लेकिन ये क्या करता था, ये फाइल को टेम्पलेट्स के रूप में एक डायरेक्टरी में सेव करता था, और ताकि किसी को डिटेक्ट करने में थोड़ी दिक्कतें आएँ। उसके बाद एक और वायरस आया जिसका नाम था 1/2, ये हार्ड डिस्क को इनक्रिप्ट कर देता था और डेटा वहाँ से पढ़ लेता था, इसीलिए इसका नाम जो था 1/2, तो स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है वो 1/2 था, इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो होता था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने इन वायरसेस के नेम बता दिए, अगर मैं चाहता तो इन एक एक वायरस के ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो बन सकता था, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम खर्च हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटरनेट से इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आसानी से सर्च कर सकते हैं, तो मैंने आपके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इनमें से किसी भी वायरस के बारे में तो आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन आइडिया देना बड़ी बात होती है, जो कि मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था वायरसेस के बारे में, तो फ्रेंड्स, वायरसेस कैसे क्रिएट करते हैं, इसके पीछे क्या प्रोग्रामिंग्स होती हैं, प्रैक्टिकल अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप देखें, क्योंकि अभी मैंने आपको थ्योरेटिकली ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं, नेक्स्ट में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स को। थैंक यू, गुड बाय।